कि मार्केट में क्या होना होना क्या चाहिए। जब मार्केट आपका मंथ में भी बाय में है, डे में भी बाय में है, एक घंटे में भी बाय में है, तो एक बाय आनी चाहिए। तो मार्केट अच्छा खासा गैप खोल रहा है कि नहीं अब? हाँ या ना, अच्छे खासे गैप अप खुल रहा है। आज भी देखो अच्छा खासा गैप अप है, अभी भी बाय में चल रहा है मार्केट, अभी भी बाय में। अभी देखिए आराम से आप, नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है बताइए, इसका नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है? यस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? यही मिल रहा है। मार्केट क्या इसके ऊपर बैठना चाहिए अभी बताएं? यस, जाना चाहिए, रुकना चाहिए मार्केट इसके ऊपर या नहीं, होना क्या चाहिए, जल्दी से बताएं। व्यू क्या है, जल्दी से व्यू बताएं, व्यू क्या है आपका? ये मार्केट को एक रेजिस्टेंस मार्केट मिला, को ऊपर जी ऊपर ऊपर बैठना जाना चाहिए। चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर रुक जाना चाहिए। तो अब यहां से रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या है। और अगर मार्केट यहां से नीचे चलता है, चलो मान लेते हैं अगर मार्केट नीचे चलता है, तो रेजिस्टेंस कौन सा होना, सॉरी सपोर्ट कौन सा होना चाहिए? ये वाला, यही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट इससे ऊपर चलना चाहिए। स्टॉक्स अगर हम देखते हैं तो स्टॉक्स आपके पास SBIN है, SBIN ऊपर जाने वाला था, मेरे को पता नहीं अभी गया नहीं गया। यस, अभी रुका हुआ है थोड़ा सा, तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, ऐसे चलो स्टॉक पकड़ते हैं, NSE पे चलते हैं, स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं स्टॉक क्या कर रहे हैं। पहला स्टॉक पकड़ते हैं, कौन सा जा रहा है? ग्रासिम हिंडाल्को। से हाँ कर जी, लीजिएगा, ग्रासिम ग्रासिम ग्रैंड ग्रैं, कोई सा भी पकड़ लो, किसी पे भी काम करना है, सब एक बराबर ही है। देखो ग्रैसिम अगर आप लोगे तो ग्रैसिम में एक छोटा सा इशू है। इशू क्या है कि अभी मार्केट ने अपने हाई को क्रॉस नहीं किया, देख रहे? कोशिश हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट बाय में है तो छोटे टाइम फ्रेम पर बजाय नीचे से बाय करने के आप कोशिश करो कि हाई ब्रेक हो तब बाय करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा शूट मिलेगा। ठीक है, ओके सर। अक्सर हम लोग क्या मतलब अक्सर हम लोग कर लेते हैं दोनों तरीके से ही, ऐसा नहीं है कोई तरीका गलत है, तरीके दोनों सही है। लेकिन इश्यू क्या होता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है, मिडिल टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही रिट्रेसमेंट होता है हम पकड़ लेते हैं, यही होता है अक्सर। लेकिन मेरी नजर में होना क्या चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में जब मार्केट हाई के ऊपर निकले तो उस टाइम पर आपको बाय पकड़ लेनी चाहिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इस समय अगर मैं देखता हूं तो मार्केट अपने हाई के आसपास है मगर हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है इसका, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अभी निकलने देंगे इसको पहले। अगर थोड़ी देर में हाई ब्रेक करेगा तो हम इसको पकड़ लेंगे। हिंडाल्को अगर आप देखते हो, हिंडाल्को देखो अच्छी जगह पर है, लेकिन इशू क्या है, इशू बताएं इसमें, हिंडाल्को में कोई भी बता दे इशू क्या है जल्दी से। गैप अप ओपन हुआ है और अपने रेजिस्टेंस को के ऊपर नीचे रेजिस्टेंस के नीचे ही है, ऊपर नहीं गया। यस बहुत चांसेस है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी भी रेजिस्टेंस पकड़ रहा हो यहां पर, अगर हम वहां पर जाएंगे तो हो सकता है वहां पर भी रेजिस्टेंस पकड़ रहा हो मार्केट, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जरा चल के देखते हैं वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। वापस निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही चलते हैं, चाहे निफ्टी देखिए, निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए, दोनों को एक साथ देखना है। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, क्या मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया निफ्टी के केस में? नहीं। अगर मैं निफ्टी बैंक के केस में देखता हूं, निफ्टी बैंक के केस में देखता हूं, तो क्या निफ्टी बैंक ने अपना हाई ब्रेक कर दिया? यस। देन कौन ब्रेक कर चुका है आज, फास्ट कौन है? बैंक निफ्टी थोड़ा सा। यस, कौन फास्ट है आज, बैंक निफ्टी या निफ्टी, देखिए बताएं। हाँ जी, कौन फास्ट है, किसने अपना हाई ब्रेक करा हुआ है, ये देखो। निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है और बैंक निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक करा हुआ है। अगर मैं इसको यहां पर लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप अगर ट्रेड करना पसंद करेंगे तो किस में करेंगे ये बताएं, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में? अब क्वेश्चन ये है। बैंक निफ्टी यस, सर। बैंक निफ्टी। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, छोटी सी, सब लॉजिक्स हैं सारे के सारे।
कि निफ्टी ने हाई ब्रेक नहीं किया तो अगर ये वापस आएगा तो बैंक निफ्टी को भी लेके आएगा, रिट्रेस कराएगा कि नहीं, जी सर ये करा सकता पॉसिबल है हो सकता है? जी सर, लेकिन अगर क्लाउड को देखते हैं सर तो वन आवर में, सर वन आवर में जो स्पैम ए है और स्पैम बी, बैंक निफ्टी का सर अप में है और चिकॉ स्पैम भी फ्री हो चुका है, लेकिन निफ्टी में सर, निफ्टी में स्पैम बी जो है फ्लैट है सर, यानी कि वो अपने हाई को अभी नहीं तोड़ेगा, वो रिट्रेस कर सकता है। बिल्कुल, चलो अभी देखते हैं इसको क्या कर रहा है ये। अभी जब तक ये देखो सब कुछ बाय में है, दिख रहा हमें भी कि बाय में है, सब कुछ है, लेकिन सारा कुछ देखना और दिखना अलग अलग पार्ट होते हैं। इस समय आपको दिख रहा है सारा बाय, क्लाउड बाय में है, कन्वर्जन बेसलाइन बाय में है, चिकन स्पेन बाय में है, कैंडल भी बाय में है, लेकिन क्या ये रिट्रेस करने आ सकता है? ये भी पॉसिबल है। तो जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक ना करे तब तक एंट्री ना करे, राइट है? ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी की जगह पर अगर मैं निफ्टी बैंक देखता हूं, निफ्टी बैंक को देखता हूं तो बैंक क्या कर रहा है? अगर मैं निफ्टी बैंक को देखता हूं तो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? देखिए कौन ज्यादा एग्रेसिव है बाय के लिए, एग्रेसिव कौन है? निफ्टी बैंक, राइट है? अब जरा हम एक काम करते हैं, आपको दिख रहा है कि मार्केट बाय में है, लेकिन एक छोटा सा काम करते हैं, इसके जरा छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। इसको एक काम और भी करते हैं, इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे इसका रेजिस्टेंस नोट कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है बताएं प्लीज, कौन बताएगा इसका रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है? अभी जल्दी से बाय आने वाली है, थोड़ी देर में बाय आ जाएगी इसकी। हाँ जी, 48,000 के ऊपर, 48,000 मतलब इसका रेजिस्टेंस जो मेरे को मिल रहा है, एक अच्छा रेजिस्टेंस वो यहां कहीं मिल रहा है, राइट है? 47,736 के आसपास मिल रहा है, ठीक है? चलो वापस चलते हैं, आप जरा 5 मिनट में जाके देखते हैं मार्केट को, मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है बताएं, कहां पर सपोर्ट लेगा मार्केट? यस, चलो आज आप लोगों से ही पूछता हूं मैं और ट्रेड कराता हूं। यस, बताएं कहां पर सपोर्ट लेगा मार्केट अगर नीचे आता है तो? ये जगह यहां तक आएगा, और अगर ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट का जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर 100 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा है, 100 पॉइंट ऊपर। तो मार्केट को यहां पर आके कोई, आपको क्या लगता है, मार्केट को डायरेक्ट ऊपर निकल जाना चाहिए या एनवेव बना के निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए? एनवेव बनानी चाहिए, जहां पर इसे एनवेव को मना लेना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर 5 मिनट में देखता हूं बगैर एनवेव के ऊपर निकलेगा तो ये मारा जाएगा, मुश्किल हो जाएगी इसको, ठीक है? तो इसलिए अच्छा है कि कोई एनवेव बना ले यहां पर और उसके बाद ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सस्टेन कर जाएगा, ठीक है? वैसे भी गैप अप है, कितने पॉइंट मार्केट गैप अप खुला है? यस बताए कितने पॉइंट गैप अप खुला था मार्केट? लगभग 250 पॉइंट बैंक निफ्टी अप्रोक्स 250 पॉइंट ये है, और इतना चल भी चुका है तो मार्केट अभी कितने कितना चल चुका है बताए? सुबह से 450 पॉइंट, 460 पॉइंट अप्रोक्स, तो काफी चल चुका है। एक रेस्ट लेना चाहिए मार्केट को या नहीं? थोड़ा पॉइंट समझे, मार्केट को अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और मार्केट को कम से कम यहां तक तो आना ही चाहिए थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। तो मार्केट को थोड़ा सा रुक के तब ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट रेस्ट लेने आ सकता है आज। हो सकता है रेस्ट लेने, जरूरी नहीं है कि केवल यहां तक आए, थोड़ा नीचे तक भी आ सकता है या नहीं, यहां तक भी आ सकता है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, अगर मार्केट यहां से चलता है ऊपर तो आपको एक बाय दोबारा से देखने को मिल जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, एकदम से बाय की तरफ नहीं जाएंगे। दो स्टॉक और थे, अगर वो अच्छे जा रहे होंगे तो हम उनको देख सकते हैं। पहला है चोलाफिन और दूसरा एम्फेसिस। चोलाफिन को अगर मैं यहां पर एक घंटे में देखता हूं तो ये घंटा पे, ये हमने बोला था एक बाय में निकल सकता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था इसको। यस, अगर कोई क्लास में थे तो क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था एक, और एक आपका एम्फेसिस है कि चोलाफिन अभी आज जा सकता है, उसका रीजन क्या था? क्लाउड के बेस पर बहुत अच्छा बाय में था ये, और एक एम्फेसिस,
एम्फेसिस एक बाय में ये देखो अभी निकला नहीं है, इसको भी निकलना है। इसमें क्या इशू है एम्फेसिस में बताएं, है स्टॉक सही लेकिन इशू क्या है, इशू बताएं क्लाउड बेस पर क्या इशू हो रखा है इसमें, कोई भी क्लाउड सही है या गलत है? नहीं गलत है सर, गलत है। गलत क्या है इसमें, थोड़ा क्लाउड में गलत क्या है? नीचे को हमने हमने तीन फेसेस देखे थे, अगर आपको ध्यान है हमने क्लाउड के तीन फेसेस देखे थे, एक फेज था डाउन का, एक फेज था स्ट्रेट और एक फेज था अप, राइट है। अभी इसका कौन सा फेज चल रहा है, डाउन का, राइट। इसका मतलब इसको स्ट्रेट होना पड़ेगा अभी या नहीं, एक दो कैंडल और लग जाएगी इसकी, घंटे भर का देख रहे हैं तो एक दो घंटा और लग सकते हैं, तब जाके मार्केट स्ट्रेट होके तब ऊपर निकलेगा, तो थोड़ा सा वेट करा सकता है, लेके रख सकते हो इसे, लेकिन अभी थोड़ा सा निकलने दोगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहां पर भी देखोगे तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट और एक बाय साइड में भी बना नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ हल्का सा तो आपको एक अच्छा बाय मिल जाएगा, या फिर ऐसे बोलो कि मार्केट को आपने पिवट पॉइंट पर आने दो तो आपका मार्केट आपको बाय दे सकता है, ठीक है। और ये पिवट पॉइंट कहां पर है ये चेक कर लो, ये पिवट पॉइंट यहां पर आ रहा है, अगर मैं घंटे भर की बात करता हूं तो घंटे भर में जब यहां पहुंचेगा इसके ऊपर मार्केट तो एक बाय दिखाएगा आपको, ठीक है। किसी भी स्टॉक में हम ये चीज चेक कर सकते हैं, तो निफ्टी बैंक का भी स्टॉक जरा देख लीजिए घंटे भर में, एक भारतीय एयरटेल और एक कोरोमंडल। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कौन सा भारतीय एयरटेल? भारतीय एयरटेल और कोरोमंडल। देखो भारतीय एयरटेल को अभी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। अगर निफ्टी जरा सा नीचे आएगा तो इसका सपोर्ट लेवल पर आपका भारतीय एयरटेल मिलेगा आपको, राइट है। अगर अभी यहां से रिट्रेस कर जाता है तो आप इसे बाय कर पाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुक जाए हल्का सा इसको। ओएनजीसी देख लीजिए एक बार, ओएनजीसी कोरोमंडल को बाय कर सकते हो, बाय कर सकते हो, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा रुक जाए, इसको भी रुके थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यही कहीं से आपका ये वापस नीचे आ जाएगा, हालांकि बाय दिखा रहा है आपको पर ये अभी नीचे आ जाएगा। इसका भी देखो फेज आपके पास क्या हुआ, एक डाउन का फेज, एक स्ट्रेट का फेज, अब ऊपर चला है फेज, लेकिन ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अभी थोड़ी देर में निकल के वापस आ सकता है, तो इसलिए इसका वेट करें थोड़ा सा। हालांकि पिवट के ऊपर आया है, पिवट के ऊपर आया है, मगर माइक को बंद करें, किसी का माइक चल रहा है, माइक को बंद करें, देख लीजिए एक बार, ठीक है। एक मिनट इसको समझो जरा, ये क्यों वापस आएगा, इसको समझो जरा क्यों वापस आएगा। अभी देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्रॉसओवर कौन सा है, नीचे क्रॉसओवर कौन सा है अभी सेलिंग का, ठीक है। मार्केट को थोड़ी देर यहाँ वेट करने दीजिए, या तो ये ऊपर आ जाएगा और ये आपका मार्केट नीचे आ जाएगा, दोनों में से एक काम होने वाला है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, तो अभी मार्केट को ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूं तो मार्केट क्लाउड का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट अभी थोड़ी देर में इसके नीचे आ गया तो एक सेलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये कौन बता रहा है आपको, वीक टाइम फ्रेम बता रहा है, और वीक में मार्केट बाय में है नहीं, तो ये पॉइंट है जहां से मार्केट वापस आ सकता है, और कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और ये बेसलाइन ही है, तो थोड़ी देर में हो सकता है मार्केट बेसलाइन के नीचे आ जाए कोरोमंडल, तो इसलिए इसे बाय करके फायदा नहीं है। वैसे भी अगर इसको देखोगे तो एक साइडवेज मार्केट में घूम रहा है ये बहुत टाइम से, तो ये इसका वैसे भी एक सेलिंग जोन बन जाएगा, तो कोरोमंडल को बाय करके कोई फायदा आपको नहीं होगा, राइट है। जहां तक ओएनजीसी की बात है, ओएनजीसी स्लो चलता है बहुत, बाय में तो दिख रहा है, इसको देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, पर इसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको रखना पड़ेगा। ओएनजीसी को अभी इंट्राडे मत लीजिए, इसको रख लीजिए, अगर रखना चाहो तो रख लीजिए, लेकिन रखना भी कब है इसको, जरा सा इसको हाई के ऊपर निकल जाने दीजिए, राइट है, थोड़ा सा हाई के ऊपर निकलने दो तब इसे बाय करना, अभी मत करना।
राइट है। चलिए वापस निफ्टी पर चलते हैं, निफ्टी क्या करने वाला है सर? पीएमटी पीएनबी तो आज ऊपर निकल गया होगा मेरे ख्याल से, आज निकल जाना था उसको, नया दिन था। पीएनबी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग सर, हाँ पीएनबी हाउसिंग ही है ये वाला, राइट, ये पीएनबी हाउसिंग है, लेकिन पीएनबी हाउसिंग पीएनबी से अटैच है, एक बात का ध्यान रखना है इसको। पीएनबी हाउसिंग में, पीएनबी हाउसिंग है ठीक, रख सकते हो इसको, रखने में कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर इसे मध्य टाइम फ्रेम में देखोगे ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको रख सकते हो, राइट है, पीएनबी हाउसिंग को रखने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसे रखने में आपको कोई इशू नहीं है, बस इसको थोड़े थोड़े आप रख सकते हैं, इसको थोड़े थोड़े करके रख लो, राइट, ये नुकसान नहीं करेंगे आपको। इसको देखो ट्रेड भी कर सकते हो, अगर आप ट्रेड करना चाहो तो इसके कुछ ट्रेड भी आप ले सकते हो, ठीक है, सपोज आप ट्रेड लेके छोड़ते हो, इसको थोड़ी देर रखना पड़ेगा आपको इसे, ठीक है, देखो इसे थोड़ी देर रखना पड़ेगा आपको, पीएनबी हाउसिंग को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पीएनबी हाउसिंग अच्छा है, ये रख सकते हो अभी, ठीक है, क्योंकि पीएनबी ने भी बढ़ना है तो पीएनबी हाउसिंग भी चला जाएगा ऊपर, ठीक है। यहां से अगर मैं देखता हूं, ये देखो पीएनबी हाउसिंग बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, अगर ये थोड़ी सी और सही निकलेगा, देखो ये पॉइंट देखोगे बहुत अच्छी जगह पर इसका पिवोट बैठा है, आपकी बेस लाइन अंदर बहुत अच्छी जगह बैठी हुई है मिड पॉइंट पर, कन्वर्जन लाइन बाहर निकल रखी है, इस मंथ में इसे इसके ऊपर जाके बैठ जाना है तो आपके पास एक बहुत अच्छा और भी बाय निकल के आएगा। अगर मैं इसे वीक टाइम फ्रेम में देखता हूं, वीक टाइम फ्रेम में ये सेलिंग पर नहीं है, दिख रहा है सेलिंग पर है नहीं सेलिंग पर, और अभी मार्केट जैसे ही कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा तो आपके पास एक बाय बनाना शुरू कर देगा। डे टाइम फ्रेम के अंदर इसकी एक बाय आनी शुरू हो गई होगी, ये डे टाइम फ्रेम की एक बाय है, मार्केट तीनों टाइम फ्रेम में बाय में बैठा हुआ है, यहां पर मार्केट थोड़ी देर वेट कराएगा आपको और ये क्रॉसओवर हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक बड़ा बाय आपको देखने को मिल सकता है। तो पीएनबी हाउसिंग ठीक है, आप इसे रख सकते हो, अगर आप इसे रखना चाहो तो आप इसे रख लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप पीएनबी देखोगे तो पीएनबी भी बाय में जाना शुरू हो गया होगा, ये देखिए पीएनबी आज ऊपर खुला है, 125 पे खुला है, जरा इसको मंथ टाइम फ्रेम में चेक कीजिए, मंथ टाइम फ्रेम में आपको याद होगा मैंने क्या बोला था पीएनबी के लिए, अगली वाली कैंडल कहां खुलने वाली है, यहां पर, लेकिन एक इशू है, इशू क्या है इसके अंदर अभी छोटा सा, कोई भी बता सकता है इशू क्या है इसके अंदर छोटा सा अभी? यस, कोई बता सकता है इशू क्या है इसके अंदर छोटा सा अभी? कन्वर्जन बेस लाइन, देखो अगर आप ध्यान दोगे तो कन्वर्जन लाइन तो फिर भी जा रही है ऊपर, लेकिन बेस लाइन बिल्कुल फ्लैट बैठी हुई है, मतलब ये अभी एक दो बार हो सकता है साइडवेज में रुक जाए, उसके बाद आपका ऊपर चले, ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो पिछले महीने इसको ऐसे भी जज करो कि जब मार्केट यहां पर था इस पॉइंट पर तो कन्वर्जन लाइन यहां बैठी थी, इसके बाद आपका नेक्स्ट मंथ आया कन्वर्जन लाइन आ गई यहां पर, देखो अप थी, उसके बाद मार्केट यहां पर था तो कन्वर्जन लाइन जरा सी अप थी, ये देखिए, और अब की बार इस वाले के अंदर मार्केट में कन्वर्जन लाइन अप हो रखी है, मतलब जाएगा तो मार्केट ऊपर लेकिन बहुत बड़ा शूट नहीं करेगा, अभी शूट कब करेगा जब ये ऊपर चलेगा तो आपका एक शूट मिलना शुरू हो जाएगा, तो अभी हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, खरीदने में भी कोई इशू नहीं है, इसको खरीद के रख लेना, बस रख लेना, और अगर पीएनबी इसको नीचे आता है तो हर 10 पॉइंट पर ध्यान रखना, हर 10 पॉइंट पर आपको कुछ बाय करने हैं, 5 पॉइंट पर नहीं, 2 पॉइंट पर नहीं, हर 10 पॉइंट पर आप कुछ ना कुछ बाय करके छोड़ दोगे, राइट है, ये पार्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाई है ना? यस आ गया, छोटे छोटे पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है जिनको आप समझ के काम करोगे तो आपका मार्केट आपको बाय देना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी याद रखना पीएनबी हाउसिंग जो है, जो मैंने आपको बोला पीएनबी हाउसिंग थोड़ा सा रुक के देगा आपको बाय, पीएनबी हाउसिंग थोड़ा सा रुक के बाय देगा, अभी नहीं देगा, अभी मार्केट थोड़ी देर यहां पर रुकेगा, यहां पर इसी जगह पर मार्केट थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करेगा, रुकेगा मार्केट अभी,
अगर दिन में देखोगे हो सकता है आज मार्केट यहीं कहीं पर आपको नीचे रुक जाए और नीचे आके यहाँ रुक जाए आज, ठीक है, ऊपर जा भी सकता है थोड़ी देर में, अदरवाइज मार्केट यहाँ नीचे रुकेगा। उसका रीजन क्या है, कोई बताएगा उसका रीजन क्या है, मार्केट यहाँ क्यों रुक सकता है? चीका उस पेन कहाँ बैठी है अभी, क्या बाय में आ गई है? दूर बैठी है, राइट है। देखो मैंने दोनों लेके छोड़ दिए, चलो ये देखो मैंने दोनों लेके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी छोड़ दी है, ये देखो पीएनबी हाउसिंग भी है और पीएनबी भी, दोनों के दोनों मैंने लेके छोड़े हुए हैं। देन कितना जाएंगे नहीं जाएंगे वो सब अलग बातें हैं, लेकिन हमने अपने पैरामीटर पर लेके इसको छोड़ दिया है। ये अभी बाय में थोड़ी देर में जाएगा, या तो मार्केट दो काम करेगा, दो काम हमें पता है मार्केट यहाँ पर कर सकता है, उसी के बिहाव पर हम लोग बाय कर रहे हैं। पहला मार्केट क्या कर सकता है चेक कर ले, पहला मार्केट ये करेगा यहाँ पर कि मार्केट यहाँ तक आएगा और यहीं पर रुक जाएगा, कहीं पर यहीं रुक जाएगा और कल फिर ऊपर खोलेगा, यहाँ पर ऊपर करेगा। ये जो आपका क्रॉसओवर है कब तक हो सकता है बताएं, क्या आज हो जाएगा क्रॉसओवर, हाँ या ना? यस नो सर, आज हो सकता है? नहीं हो सकता, दो तीन दिन लगेंगे। यस कब हो सकता है ये क्रॉसओवर? दो से तीन दिन, अभी दो से तीन दिन। इसका मतलब आप क्या करोगे, अगर चाहो तो इसको एक्युमुलेट कर लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ऐसी जगह पर ना जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसी जगह पर आप थोड़ा सा इसको हल्का हल्का एक्युमुलेट करो, ठीक है। जैसे आप पैसे जमा करते हो कि नहीं, पैसे जमा करते हो, पैसे कैसे जमा करते हो बताए? यस, थोड़े थोड़े करके जमा करते हो, बस ऐसे ही आपको थोड़े थोड़े करके जमा करने, थोड़े थोड़े करके, राइट है। नमस्कार सर, थोड़े करके। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। यस पूछनी थी, जैसे HDFC ने आज गैप अप ओपनिंग करी है सर, तो क्या इसको मतलब इसको फिल करने के लिए फिर नीचे आ सकता है? ये आ भी सकता है लेकिन मुश्किल काम है। अगर कौन सा HDFC बोल रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, HDFC बैंक, बैंक सर, बैंक। देखो बैंक को जरा समझो, ये मार्केट अभी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल अच्छा। काम है इसका नीचे आना, लेकिन अभी होगा क्या, एक पॉइंट आप ध्यान से देखो। अगर मैं क्लाउड बेस पर पॉइंट की बात करता हूँ, तो देखो मार्केट यहाँ पर अभी तक एक साइडवेज में चल रहा था, ये देख रहे हो? हाँ जी सर। और इस साइडवेज के अपर एंड पर बैठा है मार्केट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। साइडवेज के अपर एंड पर, मैं एक मिनट ये हटा देता हूँ, सारे इतने सारे मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पर, तो आपके पास इस समय अगर मैं देखता हूं तो मंथ में बाय में है मार्केट, देख लेते हैं मंथ में बाय में है, नहीं मंथ में बाय में नहीं है, मंथ में तो सेल में बैठा है मार्केट, मंथ में सेल में बैठा है, मतलब इसे बाय करना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, राइट है, खतरे से खाली नहीं है। आग में हाथ डालना चाहते हो तो HDFC बैंक को बाय कर दो, राइट है। हाँ सर, वही पूछ रहा था ना, आज जैसे गैप ओपनिंग करी है तो इसमें अगर मेंटेन कर बनाने की कोशिश कर, नहीं, इसमें कोशिश भी मत करो, कोशिश भी मत करो, क्योंकि अगर खेलने का शौक है खतरों से तो ठीक है, नहीं तो HDFC बैंक आपका एक नुकसान करेगा भारी, ठीक है। तो इसको नहीं करना, आपका छोटे टाइम फ्रेम में बाय में जा रहा है। देखो मैं आपको बोल रहा था कि बाय में और मैंने देखते ही आपको मना कर दिया ना सीधा। हाँ जी सर, हाँ जी, राइट है सर। तो इसमें बाय में नहीं है पर वन आवर में बाय में आया हुआ जी वो, इसको एक बार चेक करो, एक बार जरा समझो। अगर डे की मैं बात करता हूँ, एक दिन मतलब महीना, महीने का होता है ना पिवोट डे का, महीने के लिए होता है पिवोट, इसमें कितने घंटे के पिवोट बनते हैं? चार हफ्ते होते हैं, तो चार हफ्ते का पिवोट बनते हैं। अब कि एक हफ्ते में हो सकता है मार्केट पिवोट के ऊपर हो, मान लिया, राइट है, दूसरे हफ्ते में पिवोट के नीचे आ गया, तीसरे हफ्ते में नीचे आ गया, चौथे हफ्ते में ऊपर, हो सकता है या नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी। इसको इसका मतलब अगर केवल पिवोट के ऊपर आया तो हम इसे बाय नहीं बोल सकते, टेम्परेरी बाय बोल सकते हैं हम इसे, थोड़ी देर के लिए बाय बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बाय हम इसे नहीं बोल सकते,
राइट ना, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है उसका लेके। अगर आपको देखना है तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बाय में होना चाहिए। अगर मैं इसे वीक में देखूंगा कम से कम, अगर मैं कुछ काम भी करना चाहूं तो वीक में बाय में मार्केट होना चाहिए कम से कम। अभी अगर यहां देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, अगर ध्यान से समझो, मार्केट यहां से ऊपर चल रहा है, कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट ले रखा, आप इसे पॉजिटिव वे में देख सकते हो अभी, राइट। आप कैसे देखोगे कि मार्केट यहां से कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट लिया, अब यहां तक जाएगा या यहां तक जाएगा। लेकिन अभी पहली बात समझो, मार्केट इस समय रेजिस्टेंस कहां पर ले रहा है, ये लो का रेजिस्टेंस है मार्केट के पास या नहीं? हाँ जी सर, यही पकड़ रहा है, और मार्केट यहीं से ही वापस आ जाएगा, वही समझे, मार्केट यहीं से ही वापस चल देगा। अगर ऐसे एक घंटे में देखते हो तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, एक घंटे में मार्केट या वन डे में मार्केट एक रेजिस्टेंस, ये एक साइडवेज मार्केट पे बैठा हुआ है, राइट। इसका साइडवेज मार्केट है कहां पर, इसका साइडवेज मार्केट बन रहा है ये हाई पर, ये हाई यहां तक लगा लो इसको, यहां तक लगा लो। मतलब अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चला भी तो यहां कहीं से या क्लाउड का रिजेक्शन मिलना चाहिए इसे। अच्छा, मिलना चाहिए, यही कहीं से रिजेक्शन मिलके फिर वापस आएगा। तो आपको इसे करनी चाहिए सेल, और कब करना चाहिए, जब अपने पिवोट के नीचे आ जाए तो आप इसे सेल करना शुरू करें बजाय बाय के। तो अभी ये बहुत अच्छा सिनेरियो में नहीं है बाय के, तो रख के कोई फायदा नहीं है इसको, ठीक है। इससे अच्छा तो बायोकॉन है, बायोकॉन अच्छा काम का था। अगर मैं देखूं, आज भी देखा मैंने बायोकॉन, बायोकॉन अच्छे काम का है। देखो बायोकॉन को आप बाय करके रख सकते थे। हाँ जी, हाँ जी सर। अब बायोकॉन को क्यों बाय करूंगा मैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि बायोकॉन को क्यों बाय करूंगा, बायोकॉन में ऐसा क्या है कि मैं बाय कर लू, राइट है। चलो इसको चेक करते हैं बायोकॉन को। बायोकॉन को अगर मैं मंथ में देखता हूं तो मंथ में मार्केट बाय में बैठा है, राइट है, अच्छे खासे बाय में बैठा है, और अपने पिवोट के भी ऊपर है, और मार्केट अपने एक सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट है, इसके ऊपर आने पर एक बहुत अच्छी बाय हो सकती है, अच्छा, राइट है। अगर मैं चलता हूं वीक में देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। वीक में देखो मार्केट अपने क्लाउड से उठना शुरू हुआ, एक अच्छा खासा डाउन था। अगर आप इस डाउन को पॉजिटिव वे में देखते हो तो भी देखो मार्केट यहां तक गया, अपने 50% तक आया, राइट है, 50 या 61% तक। अब यहां से मार्केट ऊपर चल रहा है, यही हो रहा है जी। तो मार्केट को ऐसे पॉजिटिव वे में देखते हैं तो अब मार्केट चल रहा है ऊपर की तरफ, तो यहां से मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पर गड़बड़ अभी क्या हो रखी है, मार्केट ने बेस लाइन का सपोर्ट लिया है मगर कन्वर्जन लाइन पर नहीं आया, बाय यहां से शुरू होगी इसकी। अगर भी टाइम फ्रेम में बात करता हूं, अगर मैं इसे डे टाइम फ्रेम में बात करता हूं, डे टाइम फ्रेम में मार्केट देखो कन्वर्जन बेस दोनों के ऊपर आ रखा मगर गड़बड़ क्या हो रखी, क्रॉसओवर अभी नहीं हो रखा है, राइट है। तो मार्केट चल सकता है ऊपर लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएगा हल्का सा, और वो टाइम हम क्या बोल रहे हैं, मार्केट अगर थोड़ी देर यहां पर रुक जाएगा, थोड़ी देर रुक जाएगा तो ये आपका दिन है, दो चार दिन ले सकता है इसमें, मतलब दो चार दिन बाद आपको बायोकॉन की बाय मिल सकती है यहाँ पर। अगर आप लेना चाहो तो इसको थोड़ा सा रख सकते हो, मतलब आपको इसे थोड़ा क्या बोलते हैं, वेट कराना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मार्केट थोड़ी देर रुकेगा तब एकदम शूट करके जाएगा। तो बायोकॉन के पास पोटेंशियल बहुत अच्छा है बाय करने के लिए। मंथ में चेक कीजिए, मंथ में कितना गिरा हुआ है मार्केट बताएं, इसको जरा ऐसे चेक करो। अगर मैं यहां से चेक करता हूं तो मार्केट देखो अपने 50% 61% से वापस तैयारी कर रहा है, राइट है। दूसरा, अगर मैं यहां से देखता हूं तो मार्केट गिरा हुआ है, आप गिरे हुए मार्केट के ऊपर बाय कर रहे हो,